हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास टेंथ का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें स्पर्श बुक भाग दो से हम आज हमारे हिंदी में पार्ट दो है, जो डायरी का एक पन्ना, जो हमारे पार्ट का नाम क्या है, डायरी का एक पन्ना। और वो भी घटना कब की बताई, 26 जनवरी 1931 की, है ना। जो सीताराम शेखसरिया थे, इसके लेखक थे, उन्होंने अपने डायरी में जो लिखा था, जो भी घटनाएं वो जो होती थी वो अपनी घटनाएं सारी लिखते थे। बहुत से लोगों को डायरी लिखने का शौक रहता है, उनमें से ये एक सीताराम शेखसरिया भी थे, जो अपनी दिनचर्या से लेकर सारी चीज़ें वे अपने उसमें लिखा करते थे। तो वो डायरी का, उनके एक डायरी का एक पन्ना यहाँ पर हम पाठ के रूप में पढ़ रहे हैं, है ना। उन्होंने इसमें ये बताया कि 26 जनवरी 1931 इन्होंने इस दिन को भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए थे, है ना। जबकि हमारा भारत देश उस समय अंग्रेजों का राज था और हम गुलाम थे, है ना। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो भारतवासी थे, जो हमारे क्रांतिकारी हुए, जो नवयुवक थे, जो युवा पीढ़ी थी, और जो मतलब आंदोलन जिन्होंने छेड़ रखा था, उसमें से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ थे। और उन्होंने ये प्रण किया था कि अब हमें हमारा भारत देश आज़ाद चाहिए, है ना, स्वतंत्र चाहिए। तो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने वो 26 जनवरी दिन उन्होंने अमर दिन कहकर उसे बोला। और उसी दिन उन्होंने 1930 में, सबसे पहले तो 1930 में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि जिस समय सत्याग्रह छेड़ दिया था, किसने, महात्मा गांधी ने, सत्याग्रह आंदोलन जब हुआ था, तो उसी दिन उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ रखा था। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये बोल रहे थे कि हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, और हम अपना स्वतंत्रता दिवस आज के दिन मनाएंगे। तो वो 26 जनवरी 1930 को बहुत से लोग, जिस समय हमारा भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो सोचिए आप, उस समय स्थिति बड़ी गंभीर थी। गंभीर कहने का मतलब कि लोग डरे हुए, सहमे हुए थे लोग जल्दी, क्योंकि वो इतना उन्होंने पाबंदी लगा के रखी थी कि अपनी आज़ादी को, अपना स्वयं का कार्य भी वो उनकी इजाज़त के बिना नहीं करते थे। तो आज ये परिस्थिति, मतलब उनकी उस समय की वो बता रहे हैं लेखक, कि ये परिस्थिति हो गई थी कि सब लोगों के मन में एक, जो भी आंदोलनकारी थे, जो भी मतलब क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने ये सोच रखा था कि अब हमें तो आज़ादी चाहिए, और उस आज़ादी के रूप में हम ये दिवस चुन रहे हैं, कौन सा, 26 जनवरी। तो सब 26 जनवरी 1930 को उन्होंने जब आज़ादी का पर्व मनाया, मतलब उस दिन उन्होंने अपना उत्साह मनाया, स्वतंत्रता दिवस उसी दिन उसको कहा, जबकि हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं आज। लेकिन उस समय उन्होंने, जिस समय हमारा भारत देश गुलाम था, तो जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, जो जिन्होंने ठान रखी थी कि अब हमें भारत देश को हमको आज़ादी दिला दी है, तो उस आज़ादी के लिए उन्होंने क्या किया था, 26 जनवरी दिन चुना था। और उसी दिन 1930 को सबसे पहला जब कदम उठाया उन्होंने 1930 को, तो वह एकदम साधारण रूप में उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। उस समय तो किसी को कुछ, मतलब अंग्रेजों को उतनी भनक नहीं पड़ी थी, लेकिन कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जिन्होंने मिलकर अपनी आज़ादी का दिन मनाया था। अब क्या हुआ कि समय बीतने लगा, एक साल बीत चुका था, एक साल बीतने पर आया, फिर कोई दिन आया 26 जनवरी का दिन। तो लोगों ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, लोगों ने सोच रखा था कि नहीं, अभी तो कुछ ये नहीं, इतना माहौल खराब नहीं हुआ, लेकिन अब हम बड़े तादाद में, अब हमें आज़ादी चाहिए, तो अब हम 1931 का जो दिन था 26 जनवरी, उसको हम बड़े पैमाने पर, बड़े रूप में, बड़े उत्साह के साथ में हम वो स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। अब इस तैयारी के साथ में जब सारे लोग तैयार हुए, पहले तो कुछ ही गिने चुने लोगों ने उस 1930 में ये मनाया था स्वतंत्रता दिवस, लेकिन आज जो, आज कहने का मतलब 1931 की बात लेकर कह रहे हैं कि उस दिन लोगों की इतनी पहले से ही तैयारी हो चुकी थी कि नहीं, अब हम मनाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे ये अंग्रेज हमारे ऊपर कितना भी अत्याचार ढाएं, लेकिन उसके ऊपर हम अब कुछ नहीं सुनेंगे, हमें तो आज़ादी चाहिए। लोगों ने अपनी न्यौछावर तक, अपनी जान तक न्यौछावर कर दी, मतलब सारा चीज न्यौछावर कर दिया, अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने इस आज़ादी के लिए, बहुत से लोग खत्म भी हो गए, है ना।
तो आज हम ये यहाँ पे हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उस समय जब जिस समय ये आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा था, एक मोनूमेंट के नीचे है ना, एक स्मारक था उसके नीचे सब लोगों को कह दिया गया था कि भाई जहाँ जहाँ से भी, और सभी मोर्चे निकाल अपना जुलूस निकाल कर जा रहे थे, गुजराती महिला स्कूल हो चाहे मारवाड़ी महिला स्कूल हो, ये सभी लड़कियाँ भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रही थी है ना, और ली थी। तो ऐसे समय क्या हुआ कि सब लोग तैयार तो हुए, धीरे धीरे तैयार हुए और सबने अपना अपना जुलूस निकाल कर उस स्मारक के नीचे, उस मोनूमेंट के नीचे सबने सभा बुलाई थी कि वहीं पर हम अपना झंडा फहराएंगे। तो उसमें गर्ल्स भी रही, गुजराती स्कूल की गर्ल्स भी रही, मारवाड़ी स्कूल की गर्ल्स भी रही, और भी मतलब जो इसमें भाग लेना चाहती थी, जिनका नाम था मदालसा। मदालसा कौन थी? जगत नारायण जी की लड़की, नारायण बजाज की लड़की थी है ना। तो वो एक फेमस वहाँ के ये थे, अंग्रेजों के समय की बात है, लेकिन वो बहुत जाने माने थे, और वो जाने माने होने के कारण उनकी लड़की ने भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब उनको तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन क्योंकि क्या था कि अब वो बड़े व्यक्ति थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो उसमें हिस्सा लिया है ना। उनका नाम मदालसा था, तो जानकी नारायण जिनका नाम था उनकी लड़की थी है ना। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि सब लोग जुलूस लेकर वहाँ पर चले गए। अब सुभाष चंद्र बोस की बारी थी। तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, और यह प्रबंध कर चुका था कौन? पूर्णोदास। उनके जो मेन जुलूस के जो कार्यकर्ता थे वे पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय, ये दो व्यक्ति थे। तो ये जो भी कार्य संभाल रहे थे ये दोनों व्यक्ति थे, उसमें मेन व्यक्ति जो इनको कहते हैं। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा हुआ था। स्त्री समाज भी देखो, स्त्री समाज ने भी ये सोचा कि नहीं, जब हमें चाहिए तो सभी सभी को मिलकर करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो स्त्रियां भी तैयार हो गई थी। अब यहाँ पर जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुँचने की कोशिश कर रही थी है ना। सभी स्त्रियां भी तैयार हो गई, चाहे वो घर की हों, घर में काम करती हों, हाउस वाइफ हो, जो भी हो, लेकिन सबने ठान रखी थी कि अब हमें डरना नहीं है, हमें अपना आज़ादी चाहिए, हम आज स्वतंत्रता दिवस मना के रहेंगे, ऐसा उन्होंने सोच रखा था। तो मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। 1 बजे तक यानी दोपहर होने तक वैसा जैसा प्रबंध, मतलब उन लोगों ने अपना पहरा लगा के रखा था अंग्रेजों ने, तो जैसा प्रबंध था वैसा 1 बजे तक नहीं रहा था। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी? अब वहाँ पे जब प्रबंध नहीं था तो आपने देख लिया कि 1 बजे तक ये सारा, मतलब ये जो पुलिस थी वहाँ पे, वो थोड़ा सा वहाँ से हट गई थी। तो अब इन्होंने देखा कि समय नहीं चूकना चाहिए हमें, वो पुलिस अपना काम कब रोकती, वो तो रोकती ही नहीं, वो तो इस फिराक में ही थी कि अब ये कब आए और कब हम इन्हें लाठीचार्ज करें। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली ही थी, आज का दिन जो था वो निराला ही था, और उसका हम कह नहीं सकते, लेखक कह रहे हैं कि उसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ कि आज का दिन वो ऐसा निराला दिन था कि हमने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि सब अभी पाबंदियों में जी रहे थे। अब पाबंदियों से आज आज़ादी का रूप उनको देखने को मिल रहा था, तो आज ऐसा दिन था उनके हिसाब से निराला दिन था, वे कहते हैं कि आज का दिन निराला ही था। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा में ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। क्या था यह? अंग्रेजों के साथ में विरोधाभास तो था ही, क्योंकि उनके विरुद्ध ये काम हो रहा था है ना। तो ये तो अपोजिशन वाली बात हो गई। तो यहाँ तो वो काम अपने चाहे कुछ भी हो जाए आज हमको काम करके रहेंगे, ऐसा उन्होंने ठान लिया था। सभी लोग वहां पे सभा में आके इकट्ठा हो गए। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। अब उनका काम था, पुलिस जो कमिश्नर था उसने अपनी नोटिस निकाल दी कि यहाँ पे कोई सभा हो ही नहीं सकती, यहाँ होगी तो फिर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग काम करने वाले थे तो उनको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे है ना, कानून कार्रवाई उनके ऊपर होंगी, वो दोष आपके ऊपर होगा जो कार्यकर्ता लोग थे, मेन जो कार्यकर्ता।
उनको ऐसा नोटिस पुलिस कमिश्नर ने भिजवा दिया और जो सब इंस्पेक्टर थे सबको बता दिया सब इंस्पेक्टरों ने। अब क्या हुआ कि इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया कि मोनूमेंट के नीचे सबको 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। मतलब यहाँ से मोनूमेंट से जहाँ पे सभा होने वाली थी वहाँ से सबको नोटिस जारी कर दिया गया था कि जो जो हम अपने स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं वो यहाँ पे आके सब लोग जमा हो जाए, ठीक 4:24 पर हम झंडा अपना फहरा देंगे। और झंडा फहराना का समय उन्होंने बता दिया था। अब इनके तरफ से भी नोटिस, इनके तरफ से भी नोटिस तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी, जो हम झंडा भी फहराएंगे और वहाँ पे हम स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेंगे। तो ये भी नोटिस जारी किया गया कहाँ से, मोनूमेंट की तरफ से, है ना, मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:00 यानी वहाँ से उन्होंने सबको बता दिया। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। अब सुभाष चंद्र बोस अपना जुलूस लेकर आए, उनको चौरंगी पर रोका गया, चौक पर उनको रोक दिया गया, पर भीड़ भी अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। अब इतनी भीड़ थी कि पुलिस भी वहाँ पे उन लोगों को रोक नहीं पा रही थी और वे वहाँ पे मोनूमेंट की तरफ सब लोग जा रहे थे। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। अब क्या हुआ, मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी और बहुत आदमी उसमें घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां चली क्योंकि लाठियां अब उनका तो काम ही था, वो जब सुन नहीं रही तो पुलिस तो डंडा बरसाती ही है, तो वो लाठियां उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा आगे बढ़ो, है ना, आगे बढ़ना है, हमें पीछे कदम नहीं ले जाना, हमें आगे कदम बढ़ाना है। हम कदम बोलते हैं ना, उनका तो गाना ही है, उनका तो गीत ही है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, क्यों उसी समय का उसी दिन का गाना है ये, उसी दिन उन्होंने बनाया बताया था कि कदम मेरे पीछे नहीं होना है, होंगे आप मुझे इधर बुलाए चाहे इधर बुलाए, नहीं मैं मुझे तो वहीं पर जाना है ना, जहाँ पर हमने सोच रखा, हमने प्रतिज्ञा लेने की सोच रखी, हम प्रतिज्ञा आज लेंगे ही। यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। देखिए वंदे मातरम का तो ऐसा है, आज भी जब भी हम वंदे मातरम हम भी बोलते हैं, हम भी कहते हैं, तो हमें वो जोश ऑटोमेटिक आ जाता है ना, अंदर से हमारा निकलता है वंदे मातरम, तो हम बहुत जोर से बोलते हैं ना, हम सब सभा में खड़े रहते हैं, अपनी प्रार्थना में प्रेयर में हम खड़े रहते हैं, तो जब हम वंदे मातरम बोलते हैं तो हमें एक वो जोश अंदर से जागृत होता है, वो ऑटोमेटिक हमारा निकल जाता है, क्यों, क्योंकि हम अपने मातरम, अपने वंदे मातरम, मतलब अपने देश की भूमि की हम आज़ादी चाह रहे हैं और उसका नमन क्यों, उसको नमन क्यों नहीं करेंगे, तो हम जोर से तो बोलेंगे ही। तो ऐसे सुभाष बाबू भी बोल रहे थे। यह अपनी आँख से देखा, पुलिस भयानक रूप से लाठियाँ चला रही थी। लेकर कहते हैं पुलिस भयानक रूप, उसमें वो भी शामिल थे ना, पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मीच जाती थी। क्षितिज चटर्जी भी जो एक कार्यकर्ता थे, उनको इतनी जोर से सिर पर डंडा पड़ा था कि उनका सिर फट गया था और इतना क्या बोले खून, इतना खुना खून हो गए थे कि उनको देखा नहीं जा रहा था, आँख ही अपने आप मीच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर, स्त्रियों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था ना, तो वहाँ पे वो इधर ये हालात, डंडे बरसाए जा रहे थे, लाठियाँ बरस रही थी, उतने में क्या हो रहा था कि जो स्त्रियाँ थी वो मोन्यूमेंट की सीढ़ी पर चढ़ झंडा फहरा रही थी। उन्होंने सोचा यही तो करते रहे, लेकिन हम तो आज अपना झंडा फहराएंगे ही, हमारे देश का झंडा, हमारा राष्ट्रीय झंडा आज हम फहराएंगे ही। और घोषणा पड़ रही थी, स्त्रियाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुँच गई थी, प्रायः सबके पास झंडा था, जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे, वॉलंटियर मतलब जो स्वयं सेवक थे वे वहां से हटते नहीं थे, वो वहां उन्होंने कहा कि नहीं हमें आज तो करना ही चाहिए, हमारे ऊपर कितना भी अत्याचार करें। देखिए जहां पे जुनून पैदा हो जाता है, जहां पर हम किसी भी कार्य को करने के लिए हमें वो जुनून पैदा हो जाता है, तो हम उस कार्य को करे बिना नहीं रहते और ना मन में शांति रहती है और ना कुछ रहता है, नहीं करना तो है, करना तो है, तो हम करते करते करने के लिए हम हमें वो जुनून आ जाता है और हम वो काम कर जाते हैं। तो वही बात थी यहाँ पर भी कि नहीं, ये अब जेंट्स लोग जितने थे, जितने भी कार्यकर्ता थे उन पर तो लाठियां बरसा रहे थे, लेकिन अब जितनी स्त्रियां थी उन्होंने सोचा हम भी तो आए हैं,
अब हाँ वो नहीं कर पा रहे, लेकिन हम झंडा तो हमें फहराना है, अपना राष्ट्रीय झंडा हम अपने मोनूमेंट पे यहाँ पे हम फहरा के जाएंगे, चाहे वो हमें कुछ भी कर डाले। उन्होंने वो भी करा और वहाँ पे प्रतिज्ञा भी ली। अब सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठा कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। अब वहाँ का जो कोलकाता का कौन सा था, लाल बाजार लॉकअप में वहाँ पे उनको भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियाँ जुलूस बनाकर वहाँ से चली, साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिया। अब स्त्रियां तो और भी ये गई कि सुभाष बाबू को अब क्या किया, लॉकअप में रख दिया। अब हमें और भी जोर शोर बताना है और जोश बताना है, तो वो भी उन्होंने भी अपना जुलूस को छोड़ा नहीं। कुछ देर पुलिस ठंडी भी पड़ी रही, लेकिन उसके बावजूद वो अपना जुलूस निकालती रही। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, बीच में पुलिस कुछ ठंडी भी पड़ी थी, फिर उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हो गए। अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और ज़्यादा भीड़ हो गई। लोगों ने देखा कि लाठीचार्ज तो हो ही रही, अब इसमें थे, अब हमें डरना तो नहीं है, चाहिए कुछ भी करें, और ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। तो अब उसमें फिर क्या हुआ, जैसे जैसे आदमी बढ़ते गए वैसे वैसे आदमी भी बहुत घायल हुए। उसमें धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। जब इतनी मारामारी हो गई, सब हो गया, तो फिर क्या हुआ, आधे आधे टुकड़ों में बट गया। और फिर क्या हुआ, जितनी लेडीज थी, 50-60 लेडीज थी, वो जहां मोड़ था वहीं मोड़ पर वे बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। वो जितनी स्त्रियां थी, जितनी लेडीज थी, उन सबको क्या हुआ, फिर जहां पे सुभाष बाबू को लेके गए थे लॉकअप में, लाल बाजार लॉकअप में, वहीं पर उनको भी भेज दिया गया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी, है ना, विमल प्रतिभा नाम की जो लेडीज थी, स्त्री थी, वो वहां उसका नेतृत्व संभाल रही थी। जितनी स्त्रियां थी उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई। उन्हें भी रोका गया, लेकिन वो मोड़ पर ही बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। अब आसपास में क्या हुआ, जितनी भी थी भीड़ तो इकट्ठा हो रही थी, क्योंकि ये सब चीज एकदम जुनून के साथ हो रहा था, जोश के साथ में हो रहा था, तो ये काम तो होना ही था, वहां पर उनको लाठियां खानी ही थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी जितनी स्त्रियां थी उनको भी सबको ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयल का, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में अपने साथ था, और वो पकड़ा गया। कौन? ब्रजलाल गोयनका, ये भी एक कार्यकर्ता, इनके साथ मेन कार्यकर्ता था ब्रजलाल गोयनका, उसे भी पुलिस ने क्या किया, पकड़ा, और उसे भी, वो दमदम जेल में था पहले, वहीं कोलकाता में दमदम जेल में था, लेकिन उसे भी अपने साथ में पकड़ा गया, अपने साथ में था लेकिन वो भी पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। वो झंडा लेके दौड़ रहा था, लेकिन दौड़ते दौड़ते क्या हुआ, गिर पड़ा, और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। उसे लाठी मारी और कुछ दूर लेके गया उसे अंग्रेज ने, और उसे छोड़ दिया। इस पर वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। इस पर वो क्या हुआ, जो गोयन का था, ब्रजलाल गोयन का, उसको तो मारना दूर ले जाकर मारा, लेकिन वो क्या हुआ, वो फिर दौड़ते हुए आया और वो स्त्रियों के जुलूस में फिर से शामिल हो गया। वहां पर भी उसको छोड़ दिया गया। वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया। उतने पर भी वो नहीं माना, उसने सब लोगों को जमा किया, 200 आदमी उसने लेकर के लाल बाजार पहुंच गया। वहां पर गिरफ्तार हो गया और अपने आप को वहां पे गिरफ्तारी उसने अपनी मतलब सरेंडर कर दिया। मदालसा भी पकड़ी गई थी, उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था, यानी वहां पे थाने में भी इन लोगों को मारा जा रहा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी, जितनी भी स्त्रियां थी 105 स्त्रियां, स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और इसमें हिस्सा लिया था, और आज़ादी की लड़ाई के लिए स्त्रियां भी आगे आई, क्योंकि वो भी घर में रह रहे के इतना उनको पाबंदी लगा के घुट गई थी, उन्होंने सोचा नहीं हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमें ये सब काम करना पड़ेगा, तो स्त्रियां भी अपनी निकल गई। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया।
फिर बाद में 9 बजे तक उनको रात में रखा और उसके बाद छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक कितनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी, कभी भी इतनी स्त्रियों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था। करीब 8 बजे खोदी भंडार आए तो स्वतंत्रता सेनानी का यानी वहाँ पे एक वो था खोदी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उसके लिए उनके लिए गाड़ी चाहिए। अब जितने भी थे जो घायल हो चुके थे वो सबके सब कहाँ पे पहुँचे, खोदी भंडार में पहुँचे। वहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक ऑफिस था जहाँ पे वो सारे के सारे इकट्ठा हुए थे। जानकी देवी के साथ वहाँ गए, बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे, बाद में तो 103 आ चुके थे। जितने भी थे वो व्यक्ति वहाँ पे पहले 67 व्यक्ति वहाँ पे पहुँच गए क्योंकि वो जितने कार्यकर्ता थे और सबको लगा था और दास गुप्ता उनकी देख रेख कर रहे थे और उनके जो फोटो भी उतरवा रहे थे उनकी, तो वो वहाँ पे कितने व्यक्ति थे, 67 व्यक्ति थे, लेकिन उसके बाद में वो 103 और हो चुके थे। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए थे वे अलग है ना, जिनको जो घायल हो चुके थे जिनको लगा था, तो बहुत से लोग तो अस्पताल में थे, बाकी के लोग घर में भी पहुँच गए थे। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व ही था, है ना, अपूर्व था। इसके पहले हमने ऐसा कुछ सीन देखा ही नहीं था, ऐसा हमने माहौल देखा ही नहीं था। बंगाल के नाम का नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है, क्योंकि इस तरह से पहले तो डर डर के मारे ये सब काम नहीं हो पा रहा था। बहुत से लोगों ने सोचे अपने, सबसे पहले तो क्या होता है जब प्लानिंग बनती है तो आदमी सोचता ही चला जाता है, पहले सोचता है, उसको प्लानिंग बनाता है, प्लानिंग के अनुसार ही अभी काम करता है तो वो काम जरूर सक्सेस होता है ना, भले ही धीरे हो भले ही लेट हो लेकिन होता जरूर। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि ये डायरी के एक पन्ने में सीताराम सेकसरिया ने जो अपना बखान लिखा, जो देखा उन्होंने, जो उनके साथ बीता, वो यहाँ पर हमने उनके डायरी के एक पन्ने में पढ़ा। 1931 की ये बात उन्होंने अपने डायरी में लिखी थी, जो हर्षोल्लास का तो दिन था ही, लेकिन उस दिन उनको लाठियाँ भी खूब, अंग्रेजों की अत्याचार भी खूब सहना पड़ा और लाठियाँ भी खूब खानी पड़ी। तो यहाँ पर हमने उनका जोश और जुनून को हमने देखा कि लोगों में पहले स्वतंत्रता के लिए कितना, आज हम आज़ादी की जिंदगी जी रहे हैं तो हमें ये सब चीज़ें नहीं पता है, लेकिन आज सोचते हैं हम यदि उसके उनके साथ चले जाते हैं तो सोचिए, जब हम ये पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था हम उन्हीं के साथ में हैं, है ना, इतना जोश इतना जुनून हमें आ जाता है और मतलब वो सब स्वतंत्रता के लिए, है ना। आज भी हमारे देश के प्रति हमें ये सब चीज़ें, क्योंकि हम तो आज़ादी में जी रहे हैं तो हम ये चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन आज कोई देश के ऊपर बोलता है तो हमें लगता है कि नहीं, हम जो गुलामी सहकर आए हैं, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हमारे आज गुलामी सही है, अंग्रेजों की अत्याचार सहा है, वो आज हम लोग आज उन्हीं की बदौलत आज हम आज़ादी में आज़ाद जीवन जी रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें सीताराम सेकसरिया का क्या पढ़ा, डायरी का एक पन्ना। ओके, तो ये पार्ट भी यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपको इसमें PDF वगैरह भी आपको भेजेंगे। ओके, थैंक यू।